सिर्फ सच। बैंगलोर टॉर्पीडो, आप में से कई लोगों के लिए ये नाम नया होगा, लेकिन ये नाम नहीं बल्कि युद्ध में इस्तेमाल होने वाला ऐसा हथियार है जो प्रथम विश्व युद्ध से अब तक इस्तेमाल किया जाता है। इसका निर्माण भारत में ही हुआ था। उस समय भारत में ब्रिटिश आर्मी के अफसर कैप्टन M.C. क्लिंगटॉक ने बैंगलोर में इसका निर्माण करवाया था। उन्होंने इस बात को ध्यान में रखा कि टॉर्पीडो तारों के बीच से जहाँ आसानी से गुजर सके, वहीं तेज धमाकों के साथ उसे ध्वस्त कर सके। बैंगलोर टॉर्पीडो उनकी उम्मीदों पर पूरी तरह खरा उतरा। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान उनका प्रयोग इतना सफल रहा कि दुनिया के कई देश इसे इस्तेमाल करने लगे। अमेरिकन आर्मी ने बैंगलोर टॉर्पीडो के वर्जन को अपग्रेड कर दूसरे विश्व युद्ध में नाजियों के खिलाफ इस्तेमाल किया था। यह प्रोग्राम भी इतना सफल रहा कि नाजियों को हार का मुंह देखना पड़ा। आज भी अमेरिका, कनाडा, ब्रिटिश, पाकिस्तान समेत दुनिया के कई देश भारत से शुरू हुए बैंगलोर टॉर्पीडो का इस्तेमाल करते हैं। कटीली पहाड़ के बीच दुश्मन खुद को कितना भी महफूज समझे, बैंगलोर टॉर्पीडो उसके लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं है। इस हथियार पर दुनिया का भरोसा अब से नहीं बल्कि करीब 110 साल से है। चलिए आपको बताते हैं कि आखिर बैंगलोर टॉर्पीडो क्या है और ये कैसे काम करता है। इस टॉर्पीडो के 5 लंबे हिस्से होते हैं जिनका आकार सिलेंडर की तरह है। इन्हें एक दूसरे के साथ जोड़ा जा सकता है जिससे टॉर्पीडो की लंबाई 79 फीट तक पहुंच जाती है। इसके कुछ भाग में एक्सप्लोजिव मौजूद होता है तो बाकी खाली होते हैं। इसके 3 भाग बनाने में ही 36 घंटे तक लग जाते हैं। ये थी बैंगलोर टॉर्पीडो की वो कहानी जिसकी शुरुआत भारत से हुई। आज दुनिया के कई देश इस पर न सिर्फ भरोसा करते हैं बल्कि कटीले तारों को नेस्तोनाबूद करने के लिए इसका इस्तेमाल भी करते हैं। पिछले 100 साल में न जाने कितने ही आधुनिक हथियार आ चुके हैं, लेकिन भारत में शुरू हुए इस हथियार की काट अब तक नहीं है। सिर्फ सच।